धन्यवाद महोदय। अति महत्वपूर्ण विषय, उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की जो दुर्दशा हुई है उसके संबंध में कई और माननीय सदस्यों ने भी ये विषय सदन में रखा है। हम फसलों को हुए नुकसान का आकलन लगा सकते हैं, सर्वे करवा सकते हैं, लेकिन किसानों की जो जिंदगी गई है, जो ह्यूमन लाइफ की हम बात करें, उसका रुपयों में आकलन लगाना संभव नहीं है, क्योंकि किसान की जो जीवन है वो अमूल्य है, प्राइसलेस है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो गंदा मजाक किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ, सर्वे के नाम पर जो लेखपाल है वो गांव में जाता है, रूलिंग पार्टी के एक किसी सदस्य के पास बैठता है, उससे 10 नाम लिखवा लेता है, खेतों में वो जाता नहीं, कोई सर्वे करता नहीं, उन 10 लोगों के नाम के चेक बनकर आ जाते हैं, 10-10 हजार के, 8-8 हजार के, और जो लोग जिनकी फसल वास्तव में नष्ट हुई है उनको 1 रुपया तक नहीं मिलता। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे जनपद सहारनपुर में अभी तक 19 मौत इस कारण हो चुकी हैं, कुछ लोगों ने आत्महत्या की है और कुछ तनाव के कारण मारे गए हैं। प्रशासन का यह कहना है कि ये लोग ओलावृष्टि के कारण नहीं मरे हैं, ये नेचुरल कॉजेज की वजह से मरे हैं। मैं बताना चाहता हूं मुंडी खेड़ी गांव के उस किसान राजपाल के बारे में कि जिसको जब तहसील का अमीन आया रिकवरी करने के लिए और उसके बाद वो किसान अपने खेत में गया और उसने देखा कैसे उसकी फसल बर्बाद पड़ी है, वो घर वापस आया और उसने अपने माथे पर दोनों हाथ रखे और वहीं दम तोड़ दिया। क्या ये इसकी ऐसी मृत्यु का मजाक उड़ाना चाहती है उत्तर प्रदेश की सरकार? मेरा आपके माध्यम से अपनी ही सरकार से यह अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के साथ जो ये अन्याय हो रहा है और जिस प्रकार से गेहूं की फसल 75-80% नष्ट हो चुकी है, जो फसल गिरी हुई है वो तो खराब है ही, जो खड़ी भी है वो भी खराब है, उसका सही सर्वे करवाकर, सही आकलन करवाकर उन किसानों को मुआवजा मिले, साथ के साथ जिन किसानों ने अपना जीवन खो दिया है, अपने प्राण खो दिए हैं इस ओलावृष्टि, इस आपदा के कारण, उन किसानों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिलाना सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार करे और प्रदेश सरकार को निर्देशित करे कि वो ये सर्वे सही रूप से कर सके। धन्यवाद।